शादी के कुछ महीने तक तो कालू कौवा अपनी पत्नी काली कौवी से ठीक ठाक रहता है, मगर बाद में वह अपनी पत्नी पर अत्याचार शुरू कर देता है। पति जी, मैंने आज अंडा दिया है, आज मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी, आज आप मेरे लिए भी भोजन ले आए। जैसी तू काली ऐसी तेरी जुबान काली, देख नहीं रही मैं आराम कर रहा हूँ और तुम मुझे भोजन लाने को बोल रही हो? जाओ अपने लिए भी दाना ले आओ और मेरे लिए भी ले आना। बेचारी काली कौवी बहुत मासूम थी, इसलिए वह कालू कौवे को बिना कुछ कहे भोजन लेने चली जाती है। काली कौवी, अगर ऐसे ही भोजन ढूंढते जाती रहोगी तो तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। सोनी बहन, क्या करूं? उसे ना मेरा अंडा देने की खुशी है और ना ही अपने बच्चे की आने की, वह तो हर समय दारू पीता रहता है और सोया रहता है। ला 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 ला, बड़ी मस्त हवा चल रही है, ऐसे मौसम में अगर दारू मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मिलेगा दारू और सिगरेट भी मिलेगा, अगर कुछ माल पानी है तो वह ले आओ। अरे यार बात जी, मेरे पास घर में मेरी पत्नी काली कौवी के गहने हैं, अगर मैं वह ले आऊं तो क्या तुम मुझे दारू दोगे? हाँ हाँ, सब चलेगा, जल्दी ले आओ, जाओ। फिर कालू कौवा घर जाता है, काली कौवी भी दाना लेकर आ गई थी। कालू, तुम मेरी अलमारी में क्या ढूंढ रहे हो? गहने कहाँ है तेरे, कहाँ है तेरे गहने? अब यह नौबत आ गई है कि तुम मेरे गहने बेचकर दारू पियोगे, मेरा नहीं तो अपने अंडे का तो ख्याल करो। अंडे की देखभाल करना तेरा काम है, मेरा नहीं, जो कहा है वो करो वरना बहुत मारूंगा तुम्हें। कपड़ों के नीचे से कालू कौवे को काली कौवी के गहने मिल जाते हैं, वह उन्हें उठाकर वहां से चला जाता है। काली कौवी सारी रात बैठी रोती रहती है और फिर आधी रात के बाद कालू कौवा नशे में धुत घर आता है और आते ही घोंसले में गिरकर सो जाता है। माँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुमने मेरी शादी इस आवारा कौवे से करते समय कुछ तो देखा होता, अपनी बेटी को किस गंदे कौवे के साथ ब्याह दिया। अपनी किस्मत को कोसती हुई काली कौवे भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। कॉफी लाओ, मेरे लिए कॉफी लाओ, जल्दी लाओ। मैं कॉफी कहाँ से लाऊं, घर में ना शक्कर है ना दूध है। तो जाओ सोनी चिड़िया से मांग कर ले आओ, राजा तोते से मांग कर ले आओ, दफा हो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? काली कौवी डरती हुई घर से निकल जाती है। काली कौवी, ऐसा कब तक चलेगा, अभी तो एक अंडा है, कल बच्चे होंगे, तुम अपने बच्चों को कैसे जीवन की खुशियां दे सकोगी? मेरी मानो तो उस कालू कौवे को उसके हाल पर छोड़कर अब भी अपनी माँ के पास वापस चली जाओ। अभी तुम्हारी उम्र क्या है, कैसे इतनी लंबी जिंदगी गुजारोगी उस बदमाश कौवे के साथ? हाँ सोनी चिड़िया, बहुत हो गया, मैं माँ के घर में रहकर किसी के घर में काम कर लूंगी, मांग कर खा लूंगी, लेकिन अब उस बदमाश कौवे के साथ नहीं रहूंगी। काली कौवी घर जाती है और अपना कुछ सामान बांधने लगती है। कहाँ, तुम कहाँ जा रही हो? लो संभालो अपना अंडा, मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। तेरी माँ तुझे धक्के देकर घर से निकाल देगी और तेरा भाई तेरी शकल भी नहीं देखेगा। जो नसीब में होगा मैं सह लूंगी, मगर अब मैं तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। काली कौवी अपना अंडा कालू कौवे को देकर घर से चली जाती है। घर में दाना था, कालू कौवा दाना खाता है और सो जाता है। पिताजी, मेरा क्या दोष है, अगर किसी ने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, मैं इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाऊंगा, क्या आपके पिता ने भी आपके साथ ऐसा ही किया था? नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। डरता हुआ कालू कौवा सपने से जाग जाता है और अपने अंडे को गौर से देखने लगता है। काली बेटी, अपने लिए तो ना सही, अपने अंडे के लिए ही कालू के साथ गुजारा कर लेती। माँ, मैंने बहुत कोशिश की, सब बर्दाश्त किया, मगर अब तो वह बात बात पर मुझे मारता था। माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं कमाऊंगी और खाऊंगी। सुबह हो जाती है, कालू कौवे का नशा भी उतर चुका था, वह अपना अंडा उठाकर सोनी चिड़िया के घर जाता है। सोनी चिड़िया, तुम्हें पता है मेरी पत्नी काली कौवी मुझसे लड़कर मायके चली गई है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरा यह अंडा अपने घोंसले में रख लोगी?
बेशर्म, यह बात पहले सोचना था कि तुम माँ के बिना अंडे की रक्षा कैसे करोगे। अब कौन संभालेगा तुझे और तेरे इस अंडे को। जाओ यह अंडा लेकर यहाँ से चले जाओ। कालू कौआ वह अंडा उठाकर तोते के घर जाता है। राजा तोते, मैंने बहुत बुरा किया। मैंने अपनी पत्नी को मार मार कर घर से निकाल दिया। अब यह अंडा खराब हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी से कहो कि कुछ दिन मेरा अंडा अपने घोंसले में रख ले। राजा तोते, तुम कहोगे तो भी मैं यह अंडा नहीं रखूंगी। इस अंडे की माँ को लेकर आओ। अब पता चला तुम्हें एक माँ की कदर क्या होती है। चल भाग यहाँ से। सारा दिन इधर उधर घूरने के बाद कालू कौआ वह अंडा लिए घर आ जाता है। आज तो उसने दाना भी नहीं खाया था। कालू कौआ अपना अंडा घोंसले में रख कर उसे देखने लगता है। पिताजी, मुझे बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। अगर मैं मर गया तो कौन आपके घर में काय काय करेगा। आप जाएं और मेरी माँ को मना कर ले आए। हाँ बेटा, मैं जरूर जाऊँगा। मेरी आँख खुल गई है, मुझे सब मालूम हो गया है कि एक माँ के बिना घर नहीं चल सकता। फिर दूसरे दिन कालू कौआ अपना अंडा घोंसले में छिपाकर अपनी पत्नी काली कौवी को लेने जाता है। माँ, ना जाने मेरा छोटा सा अंडा कैसा होगा। अब तक तो मेरे अंडे में से बच्चा भी बन गया होगा। काली कौवी बैठी अपनी माँ से बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। काली कौवी दरवाजा खोलती है। काली कौवी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरा अंडा कैसा है? कैसा है मेरा अंडा? ठीक है ना? हाँ, अंडे में एक सुंदर सा बच्चा भी है। वह मुझसे बातें भी करता है। उसकी छोटी छोटी बातें सुनकर मेरा कलेजा फट जाता है। जो हुआ उसे भूल जाओ, अब घर चलो। काली बेटी, जाओ अपने अंडे को बचा लो। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब भूल जाती है। फिर काली कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ वापस घर चली जाती है। जब कौवा और कौवी अपने घर पहुंचते हैं तो अंडे से बच्चा निकल चुका था। जब मैं अंडे से बाहर आया तो कोई मेरा स्वागत करने को नहीं था। क्या मैं इतना बुरा हूँ? मम्मा आ गई है मेरे लाडले। अब मैं अपने बच्चे को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं हूँ ना। अब मैं पूरे करूंगा अपने बच्चे के सारे सपने और ख्याल रखूंगा अपनी काली पत्नी जी का। और फिर कालू कौआ भोजन लेने चला जाता है। और आज तो कालू कौआ पहले ही दिन अपने परिवार के लिए मीठा फल ढूंढ लेता है। सोनी चिड़िया, तूने ठीक ही कहा था। अंडे से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर ऐसा करने से मेरा पति सीधे रास्ते पर आ गया है। मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हारा अंडा अपने पास नहीं रखा था। मुझे विश्वास था कि धक्के खाने के बाद कालू कौआ सीधे रास्ते पर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।